करते हैं बेटे, हमारे पास कंसेप्ट है आपका एग्जांपल नंबर 11.2 से बेटे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 11.2 नंबर एग्जांपल क्या है, लेट अस फोकस अपॉन दिस विद हिम। ए पोर्टर लिफ्ट्स ए लगेज ऑफ 15 किलोग्राम फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पोर्टर ने 15 किलोग्राम का लगेज उठाकर 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड लिफ्ट किया है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। वो लगेज पे कितना वर्क करेगा, दिस इज विद इन नीडेड मास ऑफ द लगेज। आपको बच्चों 15 किलोग्राम दिया हुआ है और हाइट, जितनी हाइट पे आपने लिफ्ट किया है दैट इज 1.5 मीटर्स। आपको वर्क डन निकालना है बाय द पोर्टर। सो ये वर्क डन बेटे जो है आप अच्छे से जानते हैं, इट शुड बी इक्वल टू वर्क डन बेटे होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और बेटे यहाँ पे फोर्स जो आपने अप्लाई करी है पोर्टर ने, That is equal to the weight of the luggage or distance covered is equal to the height h beta. So we will say that work done is equal to m into g into h. और अगर हम values substitute कर दें, it will be equal to 15, g को आप 9.8 या 10 भी ले सकते हो, h आपका 1.5 है। सो जरा कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, 225 पर ने है, कैलकुलेट कीजिए 2 भी। यस बेटे बिल्कुल ठीक है जी, इसको 10 लिया अगर आपने तो इट विल बी 225 जूल्स बेटा। डियर जी इसके बाद बेटे, डियर चिल्ड्रन, एक 11.3 प्रॉब्लम भी देखिएगा आपकी बुक का है ये। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी आपका एग्जांपल नंबर 11.3। इसमें डियर चिल्ड्रन आपको कहा गया है दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 किलोग्राम इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 15 किलोग्राम is with a moving with a uniform velocity of 4 meter per second. Iski uniform velocity 4 meters per second aapko de rakhi hai. Calculate the kinetic energy possessed by the object. Aapko kinetic energy bete object ki jo hai ye nikalni. Yes bete dear. Haan ji. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वेरी राइट। काइनेटिक एनर्जी ई, दिस इज इक्वल टू 1/2 mv2। और बेटे ये जो ई है, दिस इज 1/2 मास बेटे, 15 किलोग्राम है, वेलोसिटी 4 है, ये 4 का स्क्वायर आपने कर दिया और काइनेटिक एनर्जी बन गई 1/2, 15, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ये बेटे देखना कैलकुलेट करके कितना बना, पत्थर चेक करिएगा। यस वेरी नाइस जशन पर ने है कैलकुलेटेड 120 जूल्स। देखना बेटे ये आ जाएगा 8, दिस इज 120 जूल्स। राइट जी, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी धीरेन, बहुत बढ़िया। आइए पुत्र आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा क्या है और किस तरीके से बेटे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। Let us focus. Problem number बेटे 11.4 भी देखिएगा, बड़ी interesting problem है ये, अच्छा question है। Question number dear children, example number rather, question नहीं है, 11.4 statement मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटे सारे students।
आपको कहा गया है व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg. कार का मास 1500 किलोग्राम का है. मैं रिपीट कर दूं बेटे एक बार फिर से. आपको उन्होंने कहा है कि व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द कार फ्रॉम 30 मीटर्स पर सेकंड टू 60 मीटर्स पर सेकंड गिवन दैट द मास ऑफ द कार इज 1500 kg. ये यू आपको दिया हुआ है, ये वी आपको दिया हुआ है, ये एम आपको दिया गया है. वर्क डन निकालना है हमें बेटा. हाँ जी बेटे कन्वर आप बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन से वाला? बैठिए बैठिए, गुड. इधर ऑनलाइन वाले बच्चों में से बेटे एनीवन फ्रॉम योर साइड? हाँ जी धीरेन यू आर अनम्यूटेड. सर चेंज इन वर्क फॉर्मूला फॉर चेंज इन एनर्जी दैट इज हाफ एमवी स्क्वायर माइनस हाफ एमवी स्क्वायर. यस वर्क एनर्जी थ्योरम. ओके ठीक है बेटा. We can apply that according to work energy theorem, work done W, this is equal to change in kinetic energy, this is 1/2 m v square minus 1/2 m u square. लेकिन ये करने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर्स पर सेकंड में बदलना पड़ेगा. ओके 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 नाइस बेटे नाइस. करिए करिए जी करिए. ठीक है कन्वर्ट करके देखिएगा. आपका इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, फाइनल वेलोसिटी भी आपके पास है. इनको मीटर्स पर सेकंड में जब आप बदलोगे, यू आपका 30 × 5/18 25/3 मीटर पर सेकंड, वी आपका 65/18 दिस इज 50/3 मीटर पर सेकंड. देखिए पुत्र अब वैल्यूज पुट करके कि आपका वर्क डन जो है ये बेटा 1/2 एम वी आप कॉमन ले सकते हो. बी स्केयर माइनस यू स्केयर वैल्यूज पुट कर दीजिए एंड चेक व्हाट यू आर गेटिंग बेटे ऑल ऑफ यू. एक बार देख लीजिएगा कितना आपका ये बनता है. हाँ जी जसलीन हैज कैलकुलेटेड इट वेरी नाइस बेटा. बाकी बच्चे भी चेक कर लो बेटे. ठीक है जी ठीक है वेरी राइट बेटा गुड ओके. लेट मी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंगली. 1/2 मास 1500 आपको दे रखा है. वी आपके पास आ गया 50/3. यू आपके पास है 25/3. दिस इज देयर. So we will have W to be equal to 750 बन गया ये आपका इनटू इसको आप बेटे 3 को आप ऐसे करके बाहर एडजस्ट कर लीजिए. 3 का स्केयर 9 आ जाएगा ना. बाकी बच गया 50 का स्केयर माइनस 25 का स्केयर. ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है. So W will be 750 into 1/9 into 50 plus 25 into 50 minus 25. So ये ₹250 है ना बेटा. So W बन गया जी 250 into 1/3. ये बन गया 75, ये बन गया 25,
ये भी 25 बन गया एंड दिस इज 250 इनटू, अब देखिएगा ये कितना आ रहा है बेटा, मेक कैलकुलेशन दीजिए, आपने वैसे निकाल ही दिया है सबने, एक बार आंसर बोल देना बेटी कोई भी बच्चा। धीरेन कितना निकाला पुत्र, धीरेन 156250, ठीक है जी 156250, सो मेनी जॉब्स ऑफ वर्क जो है दैट इज विद बीइंग और दैट इज नीडेड टू बी डन टू इंक्रीज, यस बेटे ठीक है, थैंक यू बेटा, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल बेटा, ठीक है जी। आइए फिर बेटे आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा, लेट अस प्रोसीड फर्दर, ओके बेटा नाइस, सो वी हैव आफ्टर दिस बेटे नेक्स्ट हमारा देखिए कौन सा पॉइंट है डिस्कस करने वाला, आइए देखें आपको बच्चों दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट में 11.5 बेटे मैं एग्जांपल सॉल्व करने जा रहा हूँ, आइए देखें 11.5 फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर्स अबव द ग्राउंड। फिर से ध्यान दीजिए, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर्स अबव द ग्राउंड, हाइट इसकी अबव द ग्राउंड 6 मीटर्स के बराबर है, जी आपको उन्होंने बोला है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, आप चूज करिए। फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड, पहले तो ये बताइए कौन सी एनर्जी होगी ये, इट इज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस 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 डेफिनेटली, हाँ जी पर मैं बेटा यू आर अनम्यूटेड, ओके ठीक है बेटा, ओके जी बेटे, दो टाइप की एनर्जी आपने पढ़ रखी है, ठीक है जी ठीक है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली आपके बॉडी की, आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं, और जो एनर्जी आपकी बॉडी की पोजीशन की वजह से, हाइट की वजह से या कॉन्फिग्रेशन की वजह से होती है दैट वी कॉल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे सिर्फ हाइट है, मूवमेंट नहीं है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटे आपके ऑब्जेक्ट की या बॉडी की दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच, सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए, मास 10 है, जी 9.8 है, एच 6 है, तो ये बन गया 588 जूल्स, चेक करिएगा इतना ही आ रहा है बेटा, ओके बेटा ओके बेटे ओके ओके नाइस, चलिए आगे चले देन, ठीक है बेटे ठीक है जी ठीक है, देन बेटे लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ये 11.6 नंबर प्रॉब्लम है बेटा, आइए देखें प्रॉब्लम नंबर 11.6 बेटे क्या है, लेट अस फोकस अपॉन दिस बेटा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट सम हाइट अबव द ग्राउंड, मास बेटे ऑब्जेक्ट का आपको दिया हुआ है 12 kg, इट इज एट सम हाइट अबव द ग्राउंड आपको दे रखा है, हाइट दी नहीं हुई है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल्स, आपको पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल्स दी हुई है, देन फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, जी 10 ले सकते हैं आप,
आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, जी इज गिवन टू बी 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों सिंपल है, फॉर्मूला यूज कर लीजिए। यस ठीक है बेटा, ठीक 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 बेटे। पोटेंशियल एनर्जी एम इंटू जी इंटू एच के बराबर हुआ करती है। एच विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ओवर एम जी। एच विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आपके पास 480 है, मास 12 है, जी 10 है, तो दिस इज डायरेक्टली 4 मीटर आपने निकाल ही दिया है। दैट्स वेरी नाइस, वेरी गुड। चलेंगे आगे फिर बेटे। हाँ जी, इसके बाद आपके पास है ये, आपके पास पावर का कंसेप्ट है। ये अभी हमारे सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है। ये एक बल्ब वाला जरूर करिएगा क्वेश्चन, 11.9 नंबर प्रॉब्लम है ये आपका, एग्जाम्पल नंबर 11.9 बेटे। लेट मी स्पीक आउट द क्वेश्चन एज सच। एन इलेक्ट्रिक बल्ब 60 वॉट इज यूज्ड फॉर 6 आवर्स पर डे। आपको एक बेटे इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है और 60 वॉट का बल्ब है, 60 वॉट का बल्ब है। इट इज यूज फॉर 6 आवर्स पर डे। इसको 6 आवर्स पर डे आप यूज कर रहे हो। करना क्या है, कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। ये 1 डे में कितने यूनिट्स एनर्जी के कंज्यूम करेगा ये, वो कैसे? बिल्कुल ठीक, पावर इनटू टाइम हो जाएगा। लेकिन बेटे पावर हमारी किलोवाट्स में हम कन्वर्ट किया करते हैं, पहले इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना जरूरी। यस ठीक है बेटा, आपका ये बेटे पावर है, ये आपका टाइम है। एनर्जी कंज्यूम्ड होती है पावर इनटू टाइम। पावर आपका है 60 वॉट, ये बन गए किलोवाट। टाइम आपका 6 आवर्स है, तो ये बन गया 6 6 36। ये जीरो लग गया, 1 2 3 किलोवाट आर, इसको यूनिट भी बोल देते हो आप, ठीक है जी। सो इट विल बी इक्वल टू 0.360 यूनिट्स। तो 0.360 यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो है, दीज आर गोइंग टू बी कंज्यूम्ड इन दिस केस व्हेन योर 60 वॉट बल्ब is operating for 6 hours per day, तो एक दिन में इतनी consumption बेटे जो है हो जाए। Good बेटे, आइए आगे चलें। Examples इसके साथ आपकी बेटे complete है। अच्छा किलो वॉट और वॉट वाला, हाँ जी ठीक है बेटे, ठीक है। पर ग्रेविटेशन के निकालना मेडिकल बेटे, आपका किलोवाट में किसने कह रहे हो? किलोवाट एंड वॉट्स, बैठिए बेटे। इलेक्ट्रिक पावर आपका जो है, आप इसको वॉट में, इसका स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई सिस्टम में। इसके बिना आपके पास 1 किलोवाट जो है ये बड़ा यूनिट होता है, ये 1000 वॉट के बराबर होता है। इससे भी बड़ा होता है 1 मेगावाट, ये 1000 किलोवाट के बराबर होता है। या इट इज 10 डेज पर 6 वॉट्स, ये भी कह सकते हो। इसके बिना आपका पावर का यूनिट है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर जो है ये 746 वॉट्स के बराबर हुआ करता है। इसका भी आपने ध्यान रखना है। तो आपको वो किसी भी फॉर्म में यूनिट्स दे सकते हैं बेटा, तो यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट। और आप ये भी याद रखिएगा कि एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 रेज पर 6 जूल्स के बराबर हुआ करता है। ये रिलेशनशिप भी याद रखिएगा। हाँ जी बेटे देखता हूँ।
निकालना बेटे जरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ग्रेविटेशन के निकाले आपने पहले, धीरे हम पहले बेटे ग्रेविटेशन के एक दो करते हैं फिर ये वाला करेंगे। ग्रेविटेशन यूनिट के बच्चों ने न्यूमेरिकल बोला है डिस्कस करने को, तो आई एम डायरेक्टली कमिंग टू दोस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेटा, लेट अस बिगिन विद दोस। थैंक यू। बेटे मैं डायरेक्टली एग्जांपल्स से ही स्टार्ट कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 10.1, लेट अस फोकस अपॉन दिस। 10.1 हमारा एग्जांपल क्या है, द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10^24 kg। मास ऑफ अर्थ 6 × 10^24 kg कितना मास है अर्थ का। एंड दैट ऑफ मून, मास ऑफ मून इज 7.4 × 10^22 kg। ये आपको गिवन है दोनों। If the distance between the earth and the moon is, इनके बीच में जो distance है दोनों heavenly bodies के बीच में 3.84 × 10^5 kilometers, इतना आपको बेटे इनके बीच में separation दे रखा है। Calculate the force exerted by the earth on the moon। आपको ये बताना है कि earth जो है मून पे कितनी फोर्स एग्जर्ट करेगी, और आपको कहा गया है कि जो कैपिटल जी है 6.67 × 10^-11 Nm² per kg² आप चूज कर सकते हैं। ठीक है जी। सो फिर से देखिएगा, ये आपका अर्थ और ये सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर ये मान लो मून है, इनके बीच में ये सारे पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं। अर्थ मून पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। हाँ जी पुत्र, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये अप्लाई कर लीजिए, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो इसके बेटे एक मिनट ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर के मीटर बना लेने, बाकी सारा आप कर लोगे। देखो करके दो मिनट लगाओ सारे स्टूडेंट्स बेटा, कैलकुलेशन करके देखिएगा। किलोमीटर के मीटर बनाने नहीं भूलने आपने, राइट। बाकी आप कर लोगे इजीली, करके देखो और बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर हम आगे चलेंगे। धीरेन बेटा पावर आपकी ठीक नहीं आ रही, बाकी ठीक है। धीरेन पावर जरा अपनी चेक करो, इतनी पावर नहीं आ रही है जी। पर नहीं बेटे, एक बार अपनी कैलकुलेशन भी चेक करिएगा। ठीक है बेटे, करते जाइए। गुड। ट्वेंटी जसलीन, हाँ जी ठीक लग रहा है बेटे जसलीन। चलिए मैं भी पुट करता हूँ, आप भी करिए। एफ इज इक्वल टू जी 6.67 × 10^-11 मास ऑफ अर्थ 6 × 10^24 मास ऑफ मून 7.4 × 10^22 इन द डिनोमिनेटर, ये किलोमीटर के मीटर बना लो 3.8 × 10^8 कर दूं बेटा,
3.8 into 10 raised power 8 once again, क्योंकि square है, ठीक है बेटा, ठीक है. F will be equal to 6.67 into 6 into 7.4 in the denominator 3.8 again 3.8 10 की power ये minus का 11 एक है 24 एक है 22 एक है ये दो 8 वाली powers ऊपर जाकर minus की हो जाएंगी ये -8 एंड अदर -8 ठीक है जी. इसको आप सॉल्व करिएगा कितना आता है 6.67 6 7.4 3.8 10 की पावर ये बन गई 46 प्लस की बन गई माइनस की 16 और ये 11 माइनस की 27 बन गई. चेक करिएगा यही आ रहा है, इसको सॉल्व करके देख लो कितना आता है बेटे. दैट विल बी योर आंसर. सारे स्टूडेंट्स एक बार बेटे चेक कर लीजिएगा व्हाट इट इज देयर. नाइस इट्स गुड. आपने वैसे निकाल ही दिया था 2.02 इंटू 10 रेज़ पर 20 न्यूटन निकाला था आपने. एक बार चेक कर लो, रीचेक कर लो रादर. मुझे आंसर वैसे आपका मैच कर गया है, आपका आंसर करेक्ट है. चलें जी आगे फिर. ओके देन बेटा, और ये एक और करके देखें. प्रॉब्लम आपका है 10.2, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी. 10.2 नंबर एग्जांपल है ये भी आपका एनसीईआरटी बुक की एग्जांपल है ये आपकी 10.2. आइए देखें क्या है ये स्टेटमेंट. एक बार मैं पढ़ देता हूं बेटा. आपको कहा गया है ए कार फॉल्स ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड्स. एक कार किसी हाइट से 0.5 सेकंड्स में नीचे गिर गई है, इतना टाइम लगा है. व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. जब कार ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी उसकी स्पीड कितनी है ये निकालना है आपको. सेकेंडली व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकंड्स. 0.5 सेकंड्स के टाइम इंटरवल में उसकी एवरेज स्पीड भी आपको निकालनी है. तीसरी बात है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड. लेज की हाइट भी आपको निकालनी है बेटा. जब आप ड्रॉप कर रहे हो, कार आपका ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही होगा कि तभी ड्रॉप हो रहा है. और उसकी आपको देखो बेटे फाइनल वेलोसिटी बिकॉज फाइंड आउट करनी है. पहले केस में तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगाएंगे, है ना बेटा. ठीक है बेटा, v विल बी इक्वल टू यू जीरो है, g 9.8, t आपका 0.5. देखना कितना आता है बेटे, ये चेक करिएगा हो मच इट इज टर्निंग आउट टू बी. बिल्कुल ठीक उत्तर, बिल्कुल ठीक. दिस इज 4.9 मीटर्स पर सेकंड. गुड गर्गरदूर सिंह. सेकंड आपके पास है एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है. बेटे देखो जब भी आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हो आप इनिशियल और फाइनल का एवरेज ही निकालोगे ना. सो वी एवरेज आपके पास आ जाएगा जी इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई टू. इनिशियल जीरो है, फाइनल 4.9 है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए. चेक करिए कितना आता है पुत्र. चेक कर लीजिएगा. यस ठीक है जी. तीसरा केस है हाइट आपको निकालनी है. हाइट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जी. सेकंड लॉ. यस कौन सा.
सेकंड कौन सा? यस बिल्कुल ठीक, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलिए फिर आप, है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, एक ही जगह जी ले लेंगे ना, फ्री फॉल है तो ये यू तो जीरो ही है, ये तो टर्म आपका वैसे ही जीरो हो जाएगा, एस आप इसको एच बोल दो, हाइट बोल दो, इसको एस मत बोलो, दिस इज वन बाई टू जी 9.8, टी आपका 0.5 का स्क्वायर, ये आ गया, तो दिस इज 1/2 इंटू 9.8 और ये आ गया 0.25, सो डियर ये देख लो कितना आता है, जसलीन कुछ कहना चाहती है बेटा, जसलीन पुत्र यू आर अनम्यूटेड, बोलिए बेटा। सर आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 लेना है जी, आपने वैल्यू 9.8 ली है। अच्छा ठीक है बेटे, 10 ले लो कोई बात नहीं, ओके लेट मी रीराइट दिस, दिस इज 1/2 इनटू 10 इनटू 0.25, फिर सीधा ही हो जाएगा आपका, ये 5 आ जाएगा, ये फिर 1.25 आ जाना चाहिए, चेक करिएगा, है ना बेटे, राइट बेटे राइट। सो इसके बाद एक 10.3 भी देख लो बेटा, छोटा सा एग्जांपल है, लेट अस फिनिश दैट आल्सो, फिर हमारा फर्दर थोड़ा सिंपल रहेगा काम। 10.3 स्टेटमेंट बच्चों मैं पढ़ता हूं, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, मान लीजिए आप ही थ्रो कर रहे हो और ये आपने चीज अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दी और ये चली गई ऊपर ये चीज, और क्या कहा गया है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड इट राइजेस टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर्स, ये हाइट इसकी बेटे 10 मीटर्स जो है, ये एच इसका 10 मीटर आपको दिया गया है ग्राउंड लेवल से, ठीक है, ये वापस नहीं आएगा फिर, है ना, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स, आपको ये यू निकालना है कितनी स्पीड से आप इसको थ्रो करोगे, एंड दूसरी बात आपको बतानी है टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, दो चीजें आपको निकालने के लिए कहा गया है, तो पहले केस में आपको बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s लगा लीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s, और s आपका h के बराबर है, यू बी हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो आ जाएगा, तो a आप g के बराबर ले लेंगे, है ना बेटा, सो ये आ जाएगा माइनस यू का स्क्वायर इज माइनस टू जी एच, ये कट जाएगा एंड एच विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी, वैल्यूज पुट करके देख लेना कितना आता है, और टाइम के लिए वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगा लीजिए, जी को नेगेटिव ले लेना आप, हाईएस्ट पॉइंट पर वी जीरो है, जी आपका नेगेटिव ले लोगे, यू आपने कैलकुलेट कर लिया यहां से, अच्छा आपको यू निकालना था एच नहीं निकालना था, तो फिर यू आपका आ जाएगा टू जी एच, इसका रूट कर लेना, ठीक है जी, और टी आपके पास जो है निकल आएगा बेटा, बिकॉज जी आपने वी जीरो है, यू मैं पुट कर देता हूँ, जीरो इज इक्वल टू टू जी एच का रूट माइनस जी इंटू टी, जी इंटू टी is 2gh इसका रूट, t is equal to 2gh root upon g, simple values put कर दीजिए, ठीक है जी, thank you all dear children, thank you all बेटा।